नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक कुकर है, आप देख पा रहे होंगे कुकर का ढक्कन जो है ये उड़ गया था। आप इसके लॉक को देखिए, ये लॉक जो है इसका ये पूरी तरह सीधा हो चुका है। गौर से देखिए, अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, देखिए आप किस तरह से हो गया ये। और कुकर काफ़ी हल्का भी है, हमने इनसे कहा कि सुमत बनाइए, बंगाल भेज दिए, लेकिन ये कस्टमर सुनने तैयार नहीं है कि सेट बना दो, ऐसा है वैसा है कर रहा है। इसे बनाना भाई, मैं तो दुकानदार हूँ और मेरा काम बनाना है, बनाना तो पड़ेगा अपने को। अब दूसरा देखिए, और आपको पता है ये कुकर उड़ा क्यों है, तो उससे उड़ने का कारण ये है कि इसका रबर जो था एकदम कड़क हो गया था और चपटा हो गया था। तो उसके बावजूद कस्टमर बोला था कि सेट रबर सही है, मैंने जब अस्सी रबर बाहर फेंक दिया, बोला डाला पड़े नया। दोस्तों जब कभी कुकर आपका ढक्कन जो है आप बंद करेंगे, बंद करने के बाद में अगर ढीला बैठता है ये एकदम ढीला ढीला, तो रबर तुरंत बदल दे। अगर रबर नहीं बदलेंगे तो आपको भी ये हाल होगा। आप ध्यान दीजिए, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं तो बात को पक्का कर लीजिए, जहां आपका ढक्कन ढीला बैठा जहां तुरंत रबर बदल देना है, चाहे हवा भर रहा है तो भी, नहीं भर रहा है तो भी। कितनों को लगता है क्या कि खाना बन रहा है, चलाओ चल रहा है चलाओ, फिर यहाँ कुकर उड़ के आते हैं, गैस चूल्हा फूट के आता है, तो ऐसा होता है। मेरी दुकान में बहुत सारे लोग आते रहते हैं और मैं लोगों को बताते रहता हूँ, लेकिन लोग सुनने तैयार नहीं रहते। दोस्तों देखिए, कुकर इतना भयंकर हाल में हो गया ये, उसके बावजूद कस्टमर को बोला मैं कि भाई मत बना इसको, बोलते नहीं सेट बना दो भैया, ऐसा करता है वो। अब मैं क्या करूँ, नहीं बोले बोले क्या सेट, गरीब को मदद नहीं करते, ऐसा लोग बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसके तो एक तो ढक्कन टेढ़ा हो गया, हैंडल टूट गया और रबर गया है, इसमें तीन काम है। मैंने कस्टमर को 180 बोला था, फिर कस्टमर बोला 160 बोला, मैं लास्ट 150 बोला था। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए आप इसमें जंग पकड़ लिया, ये सबसे पहले हम आते घसरेट। दोस्तों देखिए, मेरी दुकान में आजकल घसरेट ख़त्म है और इसको खोलना है मेरे को। अब देख पा रहे हैं, पानी की बॉटल है ये, अब पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर में। दोस्तों पानी डालने क्या होता है, पानी फिसल जाता है, बाकी अगर पानी आपका लग जाए इसे अच्छे से तो डालते घसरेट डीजल, उससे अच्छा काम करता है पानी है ये। लेकिन पानी में कैसा है, थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, नीचे टपकने लगता है। अब दोस्तों अगर पानी उपयोग करना हो तो बॉटल में ला के रखें और उसमें होल करके रखें, ताकि इसे मारे पिचकारी ऐसा उसे पड़ जाए जोर से, एकदम बेस्ट काम करेगा ये। खड़े आपको दिक्कत ये होगी, यहाँ थोड़ा गंदा हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा, काम और अच्छा करता है वो। दोस्तों अपने खोलने का है तो सबसे पहले अगर हमने ये किया, अब हम बाकी सीधा करेंगे, उससे क्या होगा कि हमने जो गीला किया है एक गीले में जंग ढीला हो जाएगा, फिर खुलने में आसानी लगेगी। दोस्तों एक तरीका है आपके काम को सही करने का और कम से कम सामान लगाने का। अब ज़्यादा करने जाएंगे ये पट्टी टूट भी सकता है और ज़्यादा मेहनत लगेगा वो, वैसे खुल गया तो सारी काम हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करें, आपको जो दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा उसको सीधा करें। सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा टेढ़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं हाथ ही जा रहा हूँ वहाँ सीधा करने लिए। आप इसको इस तरह से रख लें, दोस्तों मैं डायरेक्ट हथौड़ी मार रहा हूँ, ये मैं लकड़ी हथौड़ी नहीं है, ये लोखंड की हथौड़ी है और मेरा बहुत फेवरेट हथौड़ी है, पिछले 2003 से मेरी सेवा में है ये। हाँ दोस्तों यहाँ सीधा हो चुका है, दोस्तों काफ़ी टेढ़ा ही है, इसको रिपेयरिंग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इतना सारा रिपेयरिंग होगा नहीं। ठीक दोस्तों देखिए, अभी क्या करना अपने को, ये लॉक जो है लॉक सब टेढ़ा हो गया, सीधा मतलब उठ गया, देखिए ऐसा उठ गया ये, तो अपने पहले लॉक बनाना पड़ेगा ये। इसके लिए दोस्तों दो आदमी चाहिए, लेकिन मेरे पास आदमी दो है ही, इसलिए मैं ऐसा रखा हूँ। ऐसा रख के आपको जो ये पाइप का मोटर है आपको इधर रखना है, सटा के इसको तो डायरेक्ट कहीं पंच करना है। पहले आप सभी को ऐसा कर लें,
दोस्तों ग्रामीण लोग बोलो कितना भी बोलो समझते नहीं है। हमने कहा पहले कुकर ही बिल्कुल बनाने मेरा इच्छा नहीं था, लेकिन कस्टमर जो है बोलता नहीं भैया को दिन चलाने का है, बना दो ऐसा है वैसा है। दोस्तों ऐसा लगता है इस एलुमिनियम में दम नहीं है। आप गौर से देखिए, मैं सीधा कर रहा हूँ उसको, ये देखिए देखिए ताकत बिल्कुल लगाया नहीं है, देखिए कैसा हो रहा है, ये कितना कमजोर हो चुका है ये। और दोस्तों काम करते हैं, उसको बनाते ही नहीं है, जाने दीजिए, क्योंकि क्या है आपको खतरा भी हो सकता है, मतलब आपके बनाए हुए बनाने से क्या होगा। अभी आपने बना दे दिया, समझो बना दे दिया, कस्टमर ले जाएगा, वापरेगा, फिर से उड़ेगा, तो अच्छी बात नहीं है इसके। दोस्तों कभी अगर ऐसा कुकर आए तो कस्टमर जरूर कन्विंस करेंगे ना बनाए वो, क्योंकि आपके वजह से आप तो पैसे के साइड में हट जाएंगे, हम पैसे के साइड में हट जाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए आप, ऐसा लगता है मेरे को इस कुकर में कोई जान रह ही नहीं गया है। देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं बता लगा रहा मैं, ये देखिए कितना आराम से टेढ़ा हो रहा है ये देखिए, जब हवा भरेगा तो क्या हुआ इसकी हालत। इसके बदले हम उसको कन्विंस करेंगे कि मेरे दुकान में कोई भंगार कुकर पड़ा उसको दे दें, उसके बदले में कस्टमर एग्री हुआ तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मेरी बातों को ध्यान समझें, ऐसा नहीं अपने फायदे के लिए खाली काम करते हैं हम, आपको अपनी दुकान चलाने का है तो आपके काम के साथ साथ लोगों की सेवा भी हमारा, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपसे काम लोग संतुष्ट रहेंगे तो एक सेवा ही हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे हमारा कर्तव्य नहीं है कि पैसे के साथ बढ़ जाए। इसलिए दोस्तों जब कोई खतरा आइटम हो तो रिपेयरिंग बिल्कुल ना करें, कस्टमर कन्विंस करें और उनको वापस दे दें। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।